सॉरी वॉरी का अगर चक्कर बता रखे हमने, कुछ सॉरी वॉरी बोली है तो। हाँ गाज, आपने ये वीडियो देखा होगा कि आजाद खान ने कहा था कि एलविस यादव और रजत दलाल ने सॉरी मांग लिया है। इसी चीज पर रजत दलाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जहां पर बता रहे हैं कि हम लोग तरफ से ऐसा कुछ भी रिस्पांस नहीं था। इससे साफ पता चल रहा है कि आजाद खान ने बिल्कुल झूठ वीडियो अपलोड किया था। इसी चीज पर रजत दलाल ने क्या कहा, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। भाई मेरा कॉलिंग नंबर ना ऑफ था सुबह से, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था फ्लाइटों में। तो अभी दरअसल मैंने देखा है कुछ सॉरी वॉरी का अगर चक्कर बता रखे हमने, कुछ सॉरी वॉरी बोली है। तो देखो, एक आदमी लेना चाह रहा है खाली अटेंशन और हम फिलहाल उसे दे नहीं रहे, तो वो नए नए तरीके अपना रहा है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ कि थोड़ी अटेंशन मिले, जो कि हम नहीं देने वाले। उसको सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। बौकने तो 4-5 दिन बौक के बंद हो जाएगा, इग्नोर करो। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि एलविस यादव और रजत दलाल ने माफी नहीं मांगी है और शायद इन दोनों का कंट्रोवर्सी इंड होने वाला है। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।